बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है फ्लोरिंग का मटेरियल जब हम सिलेक्ट करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें। तो चलें दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फ्लोरिंग का मटेरियल सेलेक्ट करते वक्त सबसे पहली बात का जो ख्याल रखा जाता है वो है लाइफस्टाइल के, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, फैमिली की तर्ज ज़िंदगी कैसी है। हर किस्म के फर्श आपके घर में फिट नहीं हो सकते। मार्बल और टाइलें मुख्तलिफ स्टाइल और मुख्तलिफ स्ट्रेंथ में मिल जाती हैं, जबकि ये दोनों बूढ़े अफराद के कमरों के लिए मौजूद नहीं है या फिर पालतू जानवरों और बच्चों के कमरों के लिए मौजूद नहीं है। इसके लिए आप बच्चों और बूढ़ों के कमरों के लिए आप कालीन को तरजीह दें। तो दूसरी बात का जो ख्याल रखा जाता है वो है ट्रैफिक फ्लो। ज्यादा आमदोरफ्त वाले एरियाज मसलन किचन, बाथरूम और एंट्री के रास्तों पर मजबूत मटेरियल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ्लोरिंग मटेरियल जल्दी खराब हो जाता है। फ्लोरिंग के मटेरियल का इंतखाब करते वक्त जो तीसरे फैक्टर को ज़हन-नशीन रखना चाहिए वो है ड्यूरेबिलिटी। फ्लोरिंग मटेरियल का इंतखाब करते वक्त इस बात को भी ज़हन में रखना चाहिए कि फ्लोर के मटेरियल को तब्दील करने में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, टाइम और एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए ऐसे मटेरियल का इंतखाब करना चाहिए जो देरपा हो। जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो टाइल फर्श की सबसे पायदार शक्लों में से एक है, लेकिन सिरामिक और विनाइल टाइल घिसाई और स्क्रैचेस के खिलाफ बहुत मज़ामत रखती है। और दूसरे ऑप्शंस को हम देखें तो ग्रेनाइट और मार्बल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये भी स्क्रैचेस और दरारों के खिलाफ काफ़ी मज़ामत रखता है। मौजूदा दौर में वुड लुक फ्लोरिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ये फ्लोर स्क्रैचेस के खिलाफ भी मज़ामत रखते हैं। आगे हमारा है चौथा फैक्टर, अपीयरेंस एंड स्टाइल। दीगर तमाम ज़रूरिया से सबसे अहम फर्श की शक्ल और स्टाइल है। इसके लिए आप टाइलों का इंतखाब करें, क्योंकि ये हर किस्म की वैरायटी और साइज में दस्तयाब हैं। आजकल टाइलों में वुड कलर ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा डार्क या लाइट या फिर दोनों को मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे पांचवा जो हमारा फैक्टर है वो है प्राइस। हर किस्म के फ्लोरिंग मटेरियल की कीमत एक दूसरे से अलहदा या फिर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, जैसा कि पत्थर के फ्लोर मटेरियल बहुत महंगे होते हैं। हर फ्लोरिंग मटेरियल के मुख्तलिफ दर्जात होते हैं जो कि इनके मियार की वजाहत करते हैं। ज़्यादा महंगे मटेरियल ज़्यादा पायदार होते हैं, और किसी भी मटेरियल को मुंतखब करने से पहले आपको इसकी लागत का तजिया भी कर लेना चाहिए जो आपकी तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक हो। टाइलें दूसरी किस्म के फर्श जैसे स्लेट, मार्बल या सिरामिक के मुकाबले में सस्ती हैं, जो इंस्टॉल और मेंटेन रखने में भी आसान है। वुड और लैमिनेट फ्लोरिंग भी मुनासिब कीमत में मिल जाते हैं आजकल। आगे आखिरी हमारा फैक्टर है मेंटेनेंस। किसी भी फर्श की देखभाल एक जरूरी अंसर है, लिहाजा किसी भी फ्लोरिंग मटेरियल को सिलेक्ट करने से पहले आपको इंस्टॉल होने के बाद इसकी खूबसूरती को बरकरार रखने का तरीका पहले जानना चाहिए।
महंगे फ्लोर जैसे मार्बल फ्लोर को हर चंद सालों के बाद पॉलिश की ज़रूरत होती है। टाइलों और दिगर फर्श को बाकायदगी से सफाई की ज़रूरत होती है। हमेशा ऐसे फ्लोर मटेरियल का इंतखाब करें जिसे कम सफाई और देखभाल की ज़रूरत हो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।